subscribe and turn your notifications on. पीनियल कोड का चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस। इनमें कुछ लोगों को क्राइम करने के बावजूद भी छोड़ दिया जाता है और उनको छूट दी जाती है। ये लोग कौन है और इनको क्यों छोड़ दिया जाता है और इनको छोड़ देने की वजह क्या होती है, इस पे हमारे मुल्क का लॉ क्या कहता है, हम इस वीडियो में अब यही देखेंगे और इस सेक्शन पे भी यही देखेंगे। सेक्शन 106 राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise the right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk. मतलब ये कि अगर कोई इंसान किसी जानलेवा अटैक से बचने के लिए किसी मासूम इंसान को चोट या हार्म पहुंचाता है तो कानून उसको सजा नहीं देगा और उसको सेक्शन 106 में प्रोटेक्शन और बेनिफिट मिलेगा। इस सेक्शन 106 में एक ऐसे जानलेवा हमले के बारे में बताया गया है कि जिसमें आप जिससे बचने के लिए अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस तो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आसपास जो मासूम लोग खड़े हैं या कोई वहां पर कोई मासूम बंदा इनोसेंट बंदा है उसे आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करने के दौरान उनको भी चोट पहुंच जाती है तो जो उन मासूम लोगों को जो चोट पहुंचती है अपना आपने जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है तो सेक्शन 106 आपको सेफ करता है। लेकिन सेक्शन 106 पे आप इनोसेंट पीपल जो लोग हैं जो मासूम लोग हैं उनको हार्म या हर्ट पहुंचा सकते हैं, उनकी जान नहीं ले सकते। यहाँ पर वर्ड हार्म यूज हुआ है तो ये एक चीज नोट रखें। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। एक बंदा ए था उसके ऊपर एक मॉब ने अटैक कर दिया जो कि उसके पीछे भाग रहे थे उसकी जान लेने के लिए। ही कैन नॉट एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब और उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अपनी जान बचाने के लिए उस मॉब के ऊपर फायरिंग करे और उस मॉब के अंदर कुछ छोटे बच्चे भी थे जो कि इनोसेंट थे लेकिन वो मॉब क्योंकि उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसकी जान लेना चाह रहा था तो इस वजह से उसने अपनी जान बचाने के लिए उन इनोसेंट लोगों को भी उनकी लाइफ को भी रिस्क पे डाला। तो अगर वो फायरिंग करता है और उन में से किसी इनोसेंट लोगों को वो फायर लगती है तो ऐसे में सेक्शन 106 का डिफेंस मिलेगा ए को। और अगर वो इनोसेंट लोग इसके ऊपर केस करते हैं या कोई FIR कटवा देते हैं कि हम तो इनोसेंट थे हमने तो कुछ किया नहीं और गोली तो उसने मॉब को मारनी थी और लग हमें गई तो वहां पर 106 ये सिर्फ उस केस पे आपको मिलेगा जहां पर डेडली असॉल्ट मतलब के एक ऐसा डेडली असॉल्ट के फॉर एग्जांपल कोई गन लेके आए लोग 10-12 भी छोड़े मैं कहता हूँ कि 3 लोग आए गन लेके आपको फायरिंग कर रहे हैं और आप हो एक शॉपिंग मॉल के अंदर और आपके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं अटैक हो गया आपके ऊपर। अब आप एक शॉप के अंदर छुपे हो और अब आप फायरिंग करोगे अपने आप को बचाने के लिए अपनी जान बचाने के लिए। अगर उस फायरिंग से किसी इनोसेंट को हार्म पहुंचता है
और आप वो रिक्स लोगे उन इनोसेंट पीपल को रिक्स पे डालोगे और आप वो रिक्स लोगे अपनी जान बचाने के लिए, तो ऐसे जो इस सिचुएशन में आप जो रिक्स लेंगे और अगर उस फायरिंग से किसी इनोसेंट को हाँ पहुँचता है तो आपको सेक्शन 106 पे बेनिफिट मिलेगा। और 106 का बेनिफिट होने के लिए ज़रूरी है कि डेडली असॉल्ट हो। आजकल वैसे भी हमारे मुल्क पे जिस तरह के एहतजाज होते हैं तो लोग किसी को भी पकड़ के कुट देते हैं या फेंटी लगा देते हैं, तो अगर इसी एहतजाज में कोई ऐसा एहतजाज आपके पीछे लग जाए और आपको जान से मारने के लिए और उसके अंदर उनके पास डंडे लाठियां और ईंटें हों और वह आप लेके आपके पीछे लग जाए आपको मारने के लिए और आपको जान जाने का खतरा हो, जान जाने का खतरा हो, तो आप उसके ऊपर फायरिंग कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 106 बेसिकली डेडली असॉल्ट और ये मॉब्स और ये एहतजाज वगैरह की जो अगर आपके पीछे कोई ऐसे लोग लग गए हैं जो कि आपको जान से मार देना चाहते हैं तो ये वहाँ पर सेक्शन मिलेगा। और अगर आप फायरिंग करते हैं अपनी जान बचाने के लिए और उस फायरिंग पे अगर कोई इधर उधर फायरिंग किसी इनोसेंट को भी लग जाती है और उससे वो हार्म हो जाता है, मतलब कि हार्म इंजरी हो जाती है उसको, तो आपको सेक्शन 106 पे प्रोटेक्शन और बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं कोई माइंड पे या कुछ है कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe and turn your notifications on.